तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड 14 के ऊपर गेम गार्डियन को रन कर सकते हो, वो भी विदाउट रूट। आपके पास कोई भी डिवाइस हो, अगर उसके ऊपर एंड्रॉयड 14 है तो आपका गेम गार्डियन चलने वाला है। बट एक चीज़ याद रखो, अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 13 है या फिर उससे पीछे का कोई भी डिवाइस है, तो उसके ऊपर अगर आपको गेम गार्डियन रन करना है विदाउट रूट, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, यहाँ आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। और एक उसके साथ और ऐड कर लो वीडियो, वो वीडियो है कि कैसे गेम गार्डियन को क्रैश होने से बचाया जाए। आपको पता होगा कि गेम गार्डियन जब आप लोग रन कर रहे होते हो तो कई बार गेम क्रैश हो जाता है या पूरा गेम गार्डियन क्रैश हो जाता है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग अपने गेम गार्डियन को क्रैश होने से कैसे बचा सकते हो। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन के ऊपर मिल रही होगी। आज की ये वीडियो स्पेशल है एंड्रॉयड 14 यूजर्स के लिए। आइए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर आ गए हैं। आपको सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉयड वर्जन चेक करा दे रहा हूँ। मेरा एंड्रॉयड वर्जन है 14। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो, यहाँ पे देख पाओगे इस टाइप का सेक्शन आता है एंड्रॉयड 14 में। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपका फोन एंड्रॉयड 14 पे है तो गेम गार्डियन के ऑफिशियल वेबसाइट से गेम गार्डियन को डाउनलोड नहीं करना है। वो गेम गार्डियन एंड्रॉयड 14 के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से पिन कमेंट में चले जाना है। वहां पे मैंने एक गेम गार्डियन की स्पेशल एपीके की लिंक दे रखी है। ये गेम गार्डियन का जो स्पेशल एपीके है ना, ये एंड्रॉयड 14 के लिए मॉडिफाइड एपीके है। तो आप लोगों को उसे डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप लोगों को डाउनलोडिंग करने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज आप लोग एक काम कर सकते हो, आई बटन के ऊपर जा करके एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो जिसके ऊपर मैंने बताया है कि मेरी दी हुई डाउनलोड लिंक से कैसे आप लोगों को फाइल्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मेरे पास गेम गार्डियन का एपीके है। मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इंस्टॉल करते वक्त कोई भी गूगल प्ले प्रोटेक्ट की तरफ से वार्निंग आए तो आपको चिंता नहीं करना है, ये कोई भी ऐसा एपीके नहीं है जो आपके फ़ोन को हैक करेगा। ये एपीके दरअसल दूसरे ऐप्स को मॉडिफाई करने के काम आता है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नहीं अवेलेबल है, तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सिंपल से मोर डिटेल के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल एनीवे है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका जो गेम गार्डियन है वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया। अभी जब आप लोग देखोगे ना आपके होम स्क्रीन के ऊपर, तो आपको गेम गार्डियन के शायद दो आइकन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के दो आइकन आएंगे। आपको सिंपल से क्या करना है, किसी भी आइकन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टॉल मोड। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना है, डिफॉल्ट वाले इंस्टॉल मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गेम गार्डियन अपने ऐप को एक फेक नेम से दोबारा से इंस्टॉल करेगा, क्योंकि कई गेम्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और वो लोग जानते हैं कि गेम गार्डियन गेम्स को हैक करने और मॉडिफाई करने के काम आता है, तो वो लोग अपनी सर्विसेज हो सकता है आपके एंड्रॉयड फोन में ब्लॉक कर दें। इसलिए गेम गार्डियन अपने आप को एक फेक नेम से इंस्टॉल करता है। ठीक है, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख पाओगे इस टाइप का कुछ सेक्शन है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, मैंने परमिशन दे दी और यहाँ पे देख पाओगे कि ये अपने आप को इस नेम से इंस्टॉल कर रहा है। ठीक, चलो कर लेने देते हैं। सिंपल से हम लोग इसको इंस्टॉल के ऊपर दबा देंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा गेम गार्डियन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर से गूगल प्ले प्रोटेक्ट ब्लॉक हो तो कोई दिक्कत मत लेना, आपको एक बार सिखा चुका हूँ कैसे करना है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपका गेम गार्डियन इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद अभी आपको गेम गार्डियन के चार आइकन दिख रहे होंगे, तो आप लोगों को अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको सिंपल से क्या करना है, किसी भी गेम गार्डियन के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। और आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब आप लोग उस आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या वहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन आता है या फिर वहाँ पे इंस्टॉल मोड लिख करके आता है। अगर वहाँ पे इंस्टॉल मोड लिख करके आता है तो सिंपल से उसी आइकन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपके पे इस टाइप का कुछ सेक्शन आता है जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आपने चार आइकन को इंस्टॉल कर रखा है, दो आइकन को आपको हटाना है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे जो गेम गार्डियन का जो पिछला वाला वर्जन था ना, जो कि हम लोगों ने इस नए वाले वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया है, वो वर्जन अपने आप हट जाएगा और आपको वर्क मोड दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा आपको, वर्क मोड। तो जब आप लोगों को वर्क मोड दिख जाए, इसका मतलब है कि गेम गार्डियन आपका बहुत ही अच्छे से आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ इसे रन कैसे करेंगे। तो क्योंकि आपका एंड्रॉयड फ़ोन नॉन रूटेड है, तो नॉन रूटेड फ़ोन्स के अंदर गेम गार्डियन को चलाने के लिए हमें एक वर्चुअल स्पेस की ज़रूरत होगी, और वो वर्चुअल स्पेस की डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप लोग वहां से उस वर्चुअल स्पेस को बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां से फिलहाल एग्जिट कर देते हैं
और आप लोग देख पाओगे यहाँ पे अब सिर्फ दो ही आइकन पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, मैं सिंपल से जाता हूँ फाइल्स के ऊपर, और फाइल्स के ऊपर जाने के बाद मैं सिंपल से चला जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ड्यूल स्पेस पड़ा है। ठीक है, मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जो ड्यूल स्पेस है ये मॉडिफाइड है मेरे द्वारा, तो इसके अंदर भी कोई वायरस नहीं है। आप लोग इसको एंड्रॉयड 14 के ऊपर बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि ये बहुत ही कम MB का है तो आप लोगों का जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना वो भी इसको बहुत ही कम रैम कंज्यूम करने देगा। तो इसका क्या मतलब होता है, ओवरऑल आपका जो गेम गार्डियन है उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और गेम गार्डियन आपका काफ़ी ज़्यादा रैम यूज़ कर पाएगा गेम्स को मॉडिफाई करने के लिए। है कि नहीं कमाल की बात, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से ड्यूल स्पेस को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अभी इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, ड्यूल स्पेस के ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इसको क्लिक किया ना, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि इस टाइप से ड्यूल स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको सिंपल से क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर दबा देना है। स्टार्ट के ऊपर दबाने के बाद अलाउ परमिशन का कुछ सेक्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को ऑल फाइल को एक्सेस करने की परमिशन दे देनी है। ठीक है, मैंने यहाँ परमिशन दे दी, सिंपल से मैं कर देता हूँ बैक, और बैक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, आपको सिंपल से क्या करना है, इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक किया, अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन का भी सेक्शन आ रहा है आप लोग इसको डोंट अलाउ कर सकते हो, आप लोग चाहो तो अलाउ भी कर सकते हो, वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि जो आपको करने का मन हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कोई भी गेम को मॉडिफाई करना है तो आप गेम को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे गेम गार्डियन को भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेम गार्डियन को कर ले रहा हूँ, और यहाँ से एक गेम को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्लोन के ऊपर दबाया। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि बहुत ही अच्छे से दोनों क्लोन हो गए हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल से गेम गार्डियन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप लोग देख पाओगे कि हमारा गेम गार्डियन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी स्टार्ट होते वक्त अगर आपको कोई छोटा मोटा एरर देखने को मिले तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अलाउ का सेक्शन आ रहा है, हम लोग अलाउ कर देते हैं, और इस टाइप का कुछ सेक्शन आए तो आपको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आप लोगों को अगर इस टाइप का कुछ सेक्शन देखने को मिले तो सिंपल से इसको भी ओके करेंगे, और यहाँ पर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स को अलाउ करेंगे। ठीक है, कहाँ अलाउ करना है, सिंपल से ये जो ड्यूल स्पेस है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको अलाउ करना है, प्लस एक बार बैक जाना है, और इसके बाद ये जो गेम गार्डियन का सेक्शन है ना इसको भी आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने अलाउ कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बैक कर लेते हैं, और इसको वापस से हम लोग बैक कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं वापस से ड्यूल स्पेस को ओपन करते हैं, और यहाँ से अपने गेम गार्डियन को वापस से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा गेम गार्डियन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, और अगर कुछ रीस्टार्ट का सेक्शन आया आपके में तो आपको सिंपल से रीस्टार्ट के ऊपर दबा देना है, और आपका गेम गार्डियन अभी वापस से रीस्टार्ट होगा, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बट अगर ये अपने आप रीस्टार्ट नहीं होता है तो आप लोग इसको खुद से भी रीस्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरे केस में अपने आप ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद आपको सिंपल से स्टार्ट दबाना है, और जैसे ही स्टार्ट दबाओगे आपका गेम गार्डियन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रनिंग में है। ठीक है, मैं सिंपल से इधर एक गेम को भी ओपन कर ले रहा हूँ, और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि गेम गार्डियन के अंदर क्या हमारा गेम शो होता है या नहीं। अब गेम को मैं मॉडिफाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक वो नहीं है, इस वीडियो का टॉपिक था कि सिर्फ हम लोग एंड्रॉयड 14 के अंदर कैसे गेम गार्डियन को बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से गेम गार्डियन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख पाओगे गेम का आइकन भी आ गया है, और यहाँ पे प्रोसेस के अंदर गेम भी हमारा शो कर रहा है। आई होप सो कि आपको ये गेम गार्डियन का ट्यूटोरियल जो कि एंड्रॉयड 14 पे मैंने दिया इसमें बहुत मज़ा आया होगा। अगर इसमें आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।